हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब और आप सब की स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सब की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी तैयारी पूरी डेडिकेशन और कंसंट्रेशन के साथ कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर है कि हमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्या क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। जैसे मैं कर रही हूँ, मैं अपना तरीका आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको फॉलो करते हैं या उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, या फिर उससे अगर आपको हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में TGT के लिए हमें ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़नी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है एजेस, सारी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सी एज कब से कब तक है और उसको उस क्या क्या सब टाइटल दिया गया है, आपको ये ज़रूर से ज़रूर याद कर लेना है। जैसे फर्स्ट है 500 AD टू 1340 AD, इसको क्या बोलेंगे, प्री चौसेरियन एज या एंग्लो सैक्सन पीरियड। तो हमें ये जो पीरियड के नाम हैं और इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, वो दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। सभी पीरियड, सभी एज के बारे में हमें ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि कल की वीडियो में किसी ने मुझे बोला था कि आप स्क्रीनशॉट लेने दिया कीजिए अपने नोट्स या जो भी आप पढ़ाते हो, बताते हो या दिखाते हो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है, ये SK अरोरा बुक है और इसमें इस तरीके से मैनेज करके दिया गया है। सभी पीरियड्स की ड्यूरेशन एक तरफ दी गई है और उनके नाम एक तरफ दिए गए हैं। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन तो यही है कि सारे जो एजेस हैं वो एक ही जगह मैनेज करके दी गई हैं, और यहाँ पर कुछ एजेस को सब डिवाइड भी किया गया है। जैसे ये एज है यहाँ पर एज ऑफ मिल्टन, और इसको तीन एज में डिवाइड किया गया है, कैरोलिन एज, कॉमनवेल्थ एंड प्रोटेक्टोरेट पीरियड। तो आप इस तरीके से भी लर्न कर सकते हैं, और इस तरीके से क्वेश्चन आ भी जाता है कि मिल्टन एज को कितनी एज में सब डिवाइड किया गया है, या फिर उसमें टाइम ड्यूरेशन देकर पूछ सकते हैं कि ये एज कौन सी एज है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, और ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की मोस्ट इम्पोर्टेंट एजेज हैं जिसमें कि लिटरेचर लिखा गया है। अब ये देखिए, एजेस कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना है, ये किसी और राइटर की जो मतलब इन्होंने यहाँ पे दी गई है कि लिटरेचर को कैसे बांटा गया है। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, जो एंग्लो सैक्सन पीरियड था उसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर बोला गया है, उसमें जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया था उसको ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर बोला गया है। उसके बाद मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, फिर रेनेसेंस लिटरेचर, रेस्टोरेशन लिटरेचर, रेस्टोरेशन पीरियड में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसको रेस्टोरेशन लिटरेचर बोला गया। ऑगस्टन एज में और 18th century की एज में जो भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ उसको उसी के नाम से बता दिया गया। रोमांटिक एज के लिटरेचर को रोमांटिक लिटरेचर, विक्टोरियन एज के लिटरेचर को विक्टोरियन लिटरेचर, लेट विक्टोरियन लिटरेचर एंड 20th century लिटरेचर। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर ये भी, इसको सब डिवाइड किया गया है, जो मॉडर्न एज है इसको सब डिवाइड किया गया है 1900 टू 2000 तक, और से अब तक प्रेजेंट तक चल ही रहा है। 21st century लिटरेचर जो है अब चल रहा है, उससे पहले इस तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। जैसे एडवर्डियन लिटरेचर, मॉडर्निज्म, द 30s, द 40s, पोस्ट वार लिटरेचर, कंटेम्प्रेरी लिटरेचर एंड 21st century लिटरेचर। तो फ्रेंड्स, अब क्या चीज़ आती है कि ये एजेस हमने लर्न कर ली, लेकिन इन एजेस के अंदर जो जो राइटर्स इम्पोर्टेंट थे और उनके क्या क्या इम्पोर्टेंट वर्क्स थे, हमें वो भी लर्न करना ज़रूरी है। और एक चीज़ कि इन एजेस में क्या क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे, क्या क्या इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए थे, किस तरीके का लिटरेचर इनमें लिखा गया था और उस लिटरेचर की क्वालिटी क्या थी, ये सब चीज़ें हमें इसमें लर्न करने की ज़रूरत है। जैसे नेक्स्ट, अब इनको डिटेल में दिया गया है यहाँ पर 14th century द एज ऑफ चौसर, चौसर से यहाँ पर डिस्क्राइब करके दिया गया है पीरियड वाइज कि उसमें पोएट्री में कौन कौन से राइटर्स थे। यहाँ पर वर्क नहीं दिया गया है, लेकिन हमें इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनके नाम भी याद होने चाहिए फ्रेंड्स। जैसे प्रोज में है जॉन विकिलिफ, ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैनविले, और ये सब
इनके नाम दिए गए हैं, ओनली नाम ही दिए गए हैं, इनके वर्क भी हमें याद होने चाहिए, तो हमें इनके वर्क भी लर्न करने हैं। मेरे पास हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स बने हुए हैं लेकिन वो यहाँ पर अभी नहीं है अवेलेबल, इसीलिए मैं उनको शो नहीं कर सकती। मैंने वो बहुत डिटेल में बनाए हुए हैं, उनका रिविज़न करना है मुझे एग्ज़ाम से पहले, और तभी मैं शो भी कर दूँगी। मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है, जब आ जाएंगे तो मैं दिखा दूँगी। तब तक के लिए मैं बुक से जितना बुक में दिया गया है उतने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और आप लोगों के साथ भी यही शेयर कर रही हूँ। उसके बाद बैलेट्स थे, प्रोज, ड्रामा में क्या क्या था, मिस्ट्री प्लेज और मिरेकल प्लेज बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से प्लेज मिस्ट्री प्लेज थे और कौन से मिरेकल प्लेज थे, मिस्ट्री प्लेज कौन से होते हैं और मिरेकल प्लेज कौन से होते हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कुछ वर्क दिए गए हैं, जैसे एवरी मैन, द बेस्ट मॉरेलिटी प्ले, जॉन हेवुड्स द फोर पीस, ये इंटरल्यूड था, ये इनके इंपॉर्टेंट वर्क दिए गए हैं यहाँ पर। फर्स्ट कॉमेडी, फर्स्ट ट्रेजडी क्या थी, कब लिखी गई थी और किसने लिखी थी, यहाँ पर ये सब दिया गया है। नेक्स्ट अर्ली रेनेसेंस में है, प्रोज में कौन कौन जो राइटर हैं इम्पोर्टेंट थे और उनके क्या क्या वर्क्स इम्पोर्टेंट थे, ये हमें लर्न कर लेना है। अगर हमें यहाँ से नहीं मिल रहा है, इस बुक में इतना ज़्यादा डीपली नहीं दिया है लेकिन मेरे पास नोट्स बने हुए रखे हैं, और अगर आपके पास ये बुक है या नहीं है या जो भी बुक है आप उसी से प्रिपेयर कर लें, अदरवाइज़ आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का लेक्चर मिलियन माइंड्स इंग्लिश चैनल से देख सकते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। ये देखिए यहाँ तक मेरा पढ़ा हुआ है और मैंने सभी राइटर्स जो इम्पोर्टेंट हैं उनको हाईलाइट कर लिया है और उनके वर्क्स को भी हाईलाइट कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, और इसमें पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि हमारा पढ़ने के बाद जब रिविज़न होता है तो सुनने से वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है, और उसके लिए आप मिलियन माइंड्स इंग्लिश का चैनल देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स उनके हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए ही नहीं बाकी चीज़ों के लिए भी उनके बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं। और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंग्लिश सूत्र जो मैडम का चैनल है उन्होंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, और लिटरेचर लवर्स पर भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की वीडियो है। आप इन तीनों में से किसी भी एक को फॉलो करके अपना हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आपके पास बुक है पहले आप बुक से पढ़िए, उसके बाद आप वीडियो देखिए या नोट्स बनाइए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो आप ऐसे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन फ्रेंड्स।